अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिस वंडर किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ देगी कोरमा। आपको तो मालूम है कि बकरीद आ रही है, इसमें बड़ी मजे की रगन डिशे बनती हैं, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए देगी कोरमा बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हों तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी रेसिपी शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कप घी लिया है, बीफ मैंने 1 केजी लिया है, जिसके लिए मैंने 4 अदद प्याज ली है जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। प्याज गोल्डन ब्राउन होने पे हम इसे अलग कर लेंगे। प्याज निकालने के बाद मैं गोश्त डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। गोश्त और लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालूंगी। साबुत गरम मसाले में मैं 2 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 6 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 तेज पत्ते और 4 से 5 अदद लौंग डालूंगी और 8 से 10 साबुत काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून सफेद जीरा डालूंगी। अच्छी तरह गोश्त को भून के मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। दही मैंने यहाँ 1 पाव ली है। दही को भी हम अच्छी तरह गोश्त में भून लेंगे। फिर मैं इसमें 3 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी, जिसमें गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा और हमारे जरूरत के हिसाब से शोरबा भी रह जाएगा। जी फ्रेंड्स, 1/2 से 1.5 घंटे के लिए मैंने गोश्त को ढक के पकाया था। गोश्त भी अब अच्छी तरह गल चुका है और जो प्याज मैंने अलग की थी इसको मैंने पीस ली है और वो भी ऐड कर दूंगी। प्याज को अच्छी तरह गोश्त में चलाने के बाद मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालूंगी और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डालूंगी। बल्कि आंच पे मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। लास्ट में मैं इसमें पेपरिका पाउडर का तड़का डालूंगी। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है, जिसमें मैं 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालूंगी। तड़का डालने से पहले मैंने कोरमे में 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाला था। जी फ्रेंड्स, हमारा मजेदार देगी कोरमा रेडी है। मेरे स्टाइल से जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों का दिल जीतें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।